नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसा एक कैप्सूल के बारे में बताएंगे जो आप टीवी या सिनेमा घर में देखते हो, बल्कि अपना न्यूज़पेपर और पुस्तक में भी इसको पढ़ा होगा। जो ऐसा एक कैप्सूल है जो सारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और जिसमें 10 टाइप का विटामिन्स और 9 टाइप का मिनरल से भरपूर है और साथ में जिनसेन एक्सट्रैक्ट्स भी मिला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिवाइटल एज कैप्सूल के बारे में। ये 10 कैप्सूल का कीमत है सिर्फ 110 रुपया और ये 30 कैप्सूल का कीमत है सिर्फ 310 रुपया। ये सन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया, जो आपका स्टेमिना को इंक्रीज करेगा, आपका इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और एनर्जी को एनहांस करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज ये रिवाइटल एज कैप्सूल का बारे में क्या क्या काम करता है और इसका बेनिफिट्स है, इसका बारे में बात करेंगे। और इसका पूरा अगर आपको जानकारी चाहते हो, इसका रिव्यू चाहते हो, प्लीज ए वाला वीडियो देख लेना, इसमें हम डिटेल्स जानकारी दिए हैं। आज खाली इसका बेनिफिट्स और किस किस काम करते हैं ये इसका बारे में पूरा जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इसमें ऐसा क्या चीज है जिसके कारण इसका इतना नाम है, इसका ऐसा क्या चीज है जिसमें इतना स्टेमिना मिल जाता है खाने के बाद, इतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, एनर्जी बूस्ट हो जाता है। आप देख लीजिए, इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन D3 और विटामिन ई है। ऐसा 10 टाइप का डिफरेंट विटामिन्स है। और जहां तक तो मिनरल्स का बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटासियम, कॉपर, आयोडीन है। और इसमें खास बात क्या है, इसमें शुगर का मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मात्रा भी बहुत कम दिया हुआ है। इसके कारण मोटापा होने का चांस कम हो जाएगा। और खास बात जो है, इसमें जिंसेंग एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है जो 3% लेवल तक है, जो आपका सारा दिन का काम काज करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, इवन अगर आप रनिंग भी करते हो तो उसके भी जो स्टेमिना, उसका मसल्स में अगर दर्द हो जाए तो दर्द को ठीक करने के लिए, उसका वेन का मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और रनिंग के लिए इसमें क्या फायदा, इसका एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लेना, हम इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना देंगे आप। तो ये सवाल होता है, हम खाए कैसे? इसको खाने के लिए जो 18 साल से लेकर 55 साल तक जो भी व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो नारी हो, आप खा सकते हो। बेटर ये रहेगा सुबह नाश्ता का 15 मिनट बाद या लंच का 15 मिनट बाद एक कैप्सूल रोजाना लीजिए और भाग दौड़ भरी जिंदगी में आराम से काम कीजिए। आपको स्टेमिना मिलेगा, आपको एनर्जी वृद्धि होगी। अगर आपको लगता है बहुत थका थका सा लग रहा है तो थकान भी मिट जाएगा। सारा दिन में काम करने के बाद थोड़ा दर्द वर्द भी होता है तो भी ये धीरे धीरे खाने के बाद आपको दर्द महसूस नहीं होगा। कई लोगों को बाल गिर जाते हैं तो इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, जिंक भी है, मैंगनीज भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है। तो ये होने का नाते आपको थोड़ा सा बाल गिरना भी कम कर देगा। जिसका आंखों का प्रॉब्लम है, आंखों का नीचे धुंधला धुंधला नजर आता है, कम वयस में चश्मा लग गया है, वो भी अगर डेली कैप्सूल खाए तो उसको फर्क पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जी, आपका शरीर में घाव है, एंटीबायोटिक खाने का बाद भी घाव जल्दी नहीं भर रहा है, तो उस केस में भी अगर आप रिवाइटल कैप्सूल लेते हो तो ये घाव भरने में बहुत आसानी होगा, जल्दी घाव भर जाएगा। आप लगातार 1 महीना लेने के बाद आप 15 दिन का गैप रखिए, फिर 1 महीना लीजिए, ऐसा करके आप 3 महीना ले सकते हो। अगर आगे लेने का इच्छा है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लड़की या औरत के लिए क्या है, जो एडल्ट है उसके लिए भी रिवाइटल एज फॉर वोमेन है, इसका बारे में ये वीडियो देख लेना जरूर। थोड़ा सावधान या प्रिकॉशन का बारे में भी जान लीजिए। इस कैप्सूल आप जब खाते हो तो अगर उस टाइम में एंटीबायोटिक आप नहीं खाना चाहिए, 2 घंटे का गैप लेके खाना चाहिए, तो एंटीबायोटिक का साथ ये रिएक्ट कर सकता है। जिसका किडनी, लीवर और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज है पहले से ही, तो उसको खाने का पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनका ये खाने का पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने, ताकि वो खा सकता है या नहीं खा सकता है डॉक्टर बताएंगे। और जो लैक्टेशन मदर है वो खा सकता है, लेकिन किस टाइम में खाए, कितना मात्रा में खाए, कितना दिन खाए, ये जानने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और बच्चे को ये दवाई नहीं दिए जाते,
आप इसको ध्यान रखें। स्टोर करने का जो सिस्टम है बहुत आसान है, क्योंकि आप घर में आप रख लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कई लोग पूछते हैं, हम तो खा तो लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताइए। तो थोड़ा बहुत आपको बता देते हूँ, जो इसमें खाने के बाद कई कई लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं, सर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इचिंग या खुजली भी नजर आते हैं कुछ कुछ लोगों को, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इस टाइप का अगर हल्का फुल्का साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो ये 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपको ये खाने का, हमने पहले भी बोला, ये पानी का साथ लेना चाहिए, या दूध का साथ लेना चाहिए, या जूस का साथ लेना चाहिए, और कुछ खाने के बाद लेना चाहिए, फिर ये सब समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और ये लेने के बाद थोड़ा सा पानी का मात्रा भी आप बढ़ा दीजिए, और सब्जी का मात्रा बढ़ा दीजिए। आप अभी सोचोगे जब भाई इसका भरोसे में हम सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी हरी सब्जी खा रहे थे, जो भी आप खाना खा रहे थे, सब कुछ कंटिन्यू करो, और उसमें जो कमी है इस कैप्सूल उसको पूरा कर देते हैं। तो ये साइड बाय साइड जनरल हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे इसको रखिए, और इसका पूरा के पूरा फायदा उठाइए। जो लोग नए हो प्लीज फार्मासिस्ट कुंडू जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए, और लाइक भी साथ में करें। बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके चलते आपका नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकोगे। तो इसलिए प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं, और हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, नाम है हेल्दी माइसेल्फ। प्लीज वहां जाए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।